हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। आज मैं आप सबों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली एक स्नैक्स की रेसिपी, जिसे आप बरसात के मौसम में बनाएं और इसका आनंद लें। बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी है, और हम इसे सिर्फ एक कप पोहे के साथ बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है, ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी और अंदर से है ये सॉफ्ट, और स्वाद इसका बिल्कुल हटकर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कप पोहा लेते हैं। पोहा आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये छोटे साइज वाला पोहा है। पोहा को पहले साफ कर लें, और अब हम इसे एक से दो पानी धो लेते हैं। हमें यहाँ पर पोहा को बस 5 मिनट के लिए धोने के बाद थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ना है, जिससे कि पोहा हल्का सा जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो सबसे पहले पोहा को धोना जरूरी है। चाहे तो आप इसे एक स्ट्रेनर में छानकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें, या फिर यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मैं इसे छानकर बर्तन में रहने दूंगी। और इसमें आप थोड़ा सा पानी, लगभग 4 से 5 चम्मच पानी जो है वो हम रहने देते हैं, जिससे पोहा जो है वो अच्छे से फूल जाएगा। इसमें 3 से 4 चम्मच पानी है अभी। 5 मिनट के बाद चलिए हम इसे फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद जो है पोहा एकदम से ड्राई हो जाता है। मसलने से देखिए अच्छे से ये जो है वो हाथ से मसला जा रहा है, यानी कि पोहा जो है वो बढ़िया तैयार है। ये आपके पोहे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप उसे कितना देर के लिए छोड़ते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 आलू मैश करके। आप कप से ही नाप के डालें, जिससे कि आप पोहा लिए थे उसी से ग्रेट करके। यहाँ पर मैं इसमें डाली हूँ 1 कप आलू। अब हम इसे मैश कर देते हैं। ये 4 आलू था, बेसिकली हमें इसका एक यहाँ पर डो बना लेना है। बिल्कुल स्मूथ जो है हम इसे पहले मसलते हुए कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पोहा और आलू का हमारा एक डो बनकर तैयार है। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें मसाला डालें। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा यहाँ भुना हुआ जीरा का पाउडर, अमचूर पाउडर, नहीं तो आप चाट मसाला या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं। और अब इसमें 1 हरी मिर्च भी मैं काट कर डाल रही हूँ, और 1 प्याज जो है बारीक काट कर डालें। आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पर आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल हो मसाले में या फिर सब्जी में, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेश धनिया डालेंगे, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं कसूरी मेथी, बहुत अच्छा स्वाद इसी से आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। और चलिए फिर से अब हम इसे अच्छे से मसल लेते हैं। हाथ से ही मसलेंगे तो ये अच्छा स्मूथ चिकना होगा। बहुत अच्छा शानदार ये देखिए स्नैक्स हमारा तैयार होता है। बिना बेसन, बिना सूजी, मैदा, आटा का, सिर्फ पोहा से ही हम ये जो है वो नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो शाम की चाय के लिए या फिर कोई मेहमान आ जाए तो ये परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार होगा आपके घर पर। तो चलिए यहाँ पर हम एक डो बना लिए हैं, इसे हाथ को अब साफ कर लेंगे पहले, और उसके बाद चलिए अब हम इसका जो है वो कटलेट बनाकर तैयार करते हैं। तो पहले एक प्लेट में थोड़ा सा यहाँ पर हम लेते हैं सफ़ेद वाला तिल। बिना तिल के भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर जो है वो तिल लगाएंगे तो स्वाद भी इन्हेंस होता है और लुक भी इन्हेंस होता है। तो चलिए अब थोड़ा छोटा छोटा हम यहाँ पर इसके जो है वो पोर्शन लेते हैं, 1 नींबू के बराबर। हाथ से हम इसे पहले गोल कर लेंगे, और अब इसे हम तिल से कोट करते हैं। दबाते हुए तिल इसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो कुछ तिल अंदर जाएगा, कुछ इसके ऊपर लगेगा, तो अच्छा टेस्ट आता है। और हाथ से गोल घुमाते हुए इसे एक कटलेट का शेप दे देते हैं। अपने पसंद के अनुसार आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। आप यहाँ इसे एक हार्ट शेप में भी बना सकते हैं, या फिर एक रोल की तरह भी तैयार कर सकते हैं। तो एक हमारे यहाँ पे बन गया है, चलिए मैं दूसरा बना रही हूँ। तो सारा यहाँ पर मैं इसी तरीके से गोल शेप में ही इसे तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे एक पहले बेल कर तैयार कर ले सीट की तरह, और फिर कोई कुकीज़ कटर से भी काट कर अलग अलग डिज़ाइन में भी बना सकते हैं। तो बहुत इजी है इस तरीके से बनाना, इसलिए मैं यहाँ पर सारे इस पोहे से इसी तरीके का कटलेट देखिए बनाकर रेडी कर ली हूँ। तो बहुत अच्छा शानदार ये झटपट से बनने वाला नाश्ता है। सिर्फ 5 मिनट लगा है मुझे इस काम को करने में। और अब इस नाश्ते को हम जो है वो सेलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए आप एक पैन का ही यूज करें, तो एक बार में बहुत सारा जो है वो हमारे स्नैक्स बनकर तैयार होगा। सिर्फ 2 चम्मच आप इसमें तेल डालें, और पैन में अच्छी तरह से चारों तरफ हम इस तेल को पहले फैला लेते हैं और तेल को गर्म कर लेंगे। गर्म जब तेल हो जाए
तब हम इसमें एक बार में जितना स्नैक्स हमारा आ सके हम इसमें ऐड कर देते हैं और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे तो बहुत अच्छा जो है ये क्रिस्पी होगा। इस तरीके से पैन को आप हिलाएं जिससे कि ये नीचे की तरफ इक्वल जो है वो पकेगा भी और कलर भी जो है वो एक समान आएगा। तो मीडियम फ्लेम करके ही हमें यहाँ पर इसे जो है वो कुक करना है। अब हम इसे पलट लेते हैं तो नीचे की तरफ देखिए अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। सभी स्नैक्स को हम इसी तरीके से उलट पुलट कर जो है वो सिर्फ 4 से 5 मिनट ही समय हमें इसे लगता है, बहुत ज़्यादा समय भी इसको नहीं देना है क्योंकि इसमें जो भी हम सामान यूज किए हैं वो पहले से ही कुक है, सिर्फ ऊपर का लेयर जो है हमें इसका क्रिस्पी करना है। दूसरी तरफ भी हम इसे देखिए अच्छे से जो है वो क्रिस्पी होने देते हैं। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और ये तिल से कितना अच्छा जो है इस कटलेट का लुक भी आया है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बरसात के इस मौसम में इस तरीके से जो है वो कम तेल का ये हेल्दी स्नैक्स आप बनाकर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो एक बार जब आप इसे बना लेंगे बार बार इसे बनाना चाहेंगे। दूसरे बैच के लिए थोड़ा सा यहाँ पर फिर 1 चम्मच तेल डाल देते हैं, तेल गर्म हो जाए तो बाकी के स्नैक्स भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो चलिए अब हम इस स्नैक्स का मज़ा लेते हैं। आप देखिए कितना क्रिस्पी ऊपर से ये लग रहा है और अंदर से जो है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है, खाने में तो बहुत मज़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी तो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।